अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ प्रोकैरियोट्स। और आज हमने पढ़ना है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी शेप्स के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को कितनी क्लासों में डाल सकते हैं, कितनी अलग अलग क्लासेस में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके नाम लिखे हुए हैं। शेप की बेसिस पे हम बैक्टीरिया को कोकाई, बैसिलाई, स्पायरला, विब्रियो या स्पायरोकीट्स कह सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कोकाई। अच्छा, ये अब सारे ना दूसरी ज़बानों के वर्ड्स हैं। कोकाई एक डिफरेंट लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है सर्कुलर या स्फेरिकल। तो कोकाई जो बैक्टीरिया हैं वो स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, और इन बेचारों के पास फ्लैजिला होता था ना एक, यूँ करके फ्लैजिला नहीं होता, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब कोकाई भी बहुत सारी टाइप्स के हो सकते हैं। अगर दो कोकाई मौजूद है ना बच्चों, दो कोकाई, तो मैं इसको कहूँगी डिप्लो कोकाई। ठीक है, और अगर स्ट्रेप्टोकोकाई है तो इसमें पूरी चेन होती है भाई, पूरी चेन होती है, तो स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन। ठीक है, उसके बाद टेट्रार्ड। टेट्रार्ड में क्या होता है, चार कोकाई होते हैं जुड़े हुए, चार बैक्टीरिया के, वो चार बैक्टीरिया, तो टेट्रार्ड बन गया। अच्छा, स्टेफिलो का क्या मतलब होता है, पूरा बंच, क्लस्टर। तो स्टेफिलो में ना ऐसी शेप होती है जैसे ग्रेप्स की होती है ना हमारे पास ऐसी। ठीक है, तो ये क्लस्टर हो गया, स्टेफिलो कोकाई हो गया। देख रहे हो ना, सब में कोकाई यानी कि सर्कुलर शेप्ड बैक्टीरिया, और सारसीना में ये आठ हो जाएंगे। तो डिप्लो कोकाई, टेट्रार्ड, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलो कोकाई और सारसीना, ये अभी ही याद हो जाएगा। अच्छा, बैसिलाई भी एक डिफरेंट लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है रॉड शेप्ड। ये रॉड शेप्ड होती है, ट्रायंगुलर टाइप, सॉरी रेक्टेंगुलर टाइप। और इनके अंदर फ्लैजिला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इनके फर्दर क्लासेस क्या है, ये डिप्लो बैसिलस हो सकते हैं, हो सकता है दो बैसिलस हों। ठीक है, ये स्ट्रेप्टो बैसिलस हो सकते हैं। अगेन, स्ट्रेप्टो का मतलब मैंने क्या बताया, चेन। तो ये चेन में पूरे आपके पास यूं करके लगे हुए होंगे, राइट। और हमारे पास कोको बैसिलस हो सकते हैं। अच्छा, कोको बैसिलस की प्यारी बात ये है कि इनकी शेप ना यूं करके हो रही होती है, मतलब थोड़ी सी हमें लग रहा होता है सर्कुलर भी है और थोड़ी सी बैसिलस भी, तो इनको हम कोको, इनकी शेप बिटवीन होती है कोकाई और बैसिलाई के, तो हम इनको कोको बैसिलस कह देते हैं। जो पैलिसेड्स होते हैं वो लॉन्ग और सिलेंडर लाइक होते हैं, ये रॉड शेप्ड ही है लेकिन नहायत लॉन्ग और सिलेंडर टाइप है, राइट हो गई बात। फिर आ जाता है हमारे पास स्पायरला, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये कर्व्ड होते हैं, थोड़े स्पायरल शेप्ड के होते हैं यूं करके, और इनमें फ्लैजिला होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पायरल शेप्ड है और फ्लैजिला मौजूद है। ठीक है जी, तो इनमें फ्लैजिला भी होता है और इनकी स्पायरल शेप्ड होती है। फिर हमारे पास आ जाते हैं विब्रियो। विब्रियो कॉमा शेप्ड होते हैं, कॉमा शेप्ड होते हैं और ये फ्लैजिलेटेड यानी इनमें भी फ्लैजिला होता है। अच्छा, इनके एक बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये जो कर्व, इनमें कर्व होता है ना वो स्लाइड होता है, स्लाइड कर्व होता है, और इनमें बहुत कर्व होता है, मिडल पोर्शन से ज़्यादा कर्व होता है। तो ऐसा जितने इतना डिफरेंस नहीं है। इसकी एग्जाम्पल मुझे एक याद आ रही है, तो आप लोग भी कर लो। एक एग्जाम्पल होती है विब्रो कॉलरा। ठीक है, बस नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ लो। ठीक है, तो विब्रियो कॉलरा हमें कॉलरा कॉज करते हैं हमारी बॉडी में, और ये विब्रियो शेप्ड होता है। अब अगर कोई बोले विब्रियो शेप्ड क्या है, तो यू शुड नो कि ये कॉमा शेप्ड होता है। फिर हमने स्पायरोकीट्स के बारे में पढ़ ही लिया है। ठीक है, कि ये दूसरे टॉपिक में कि ये बहुत लॉन्ग होते हैं, ये सिलेंडर होते हैं और फ्लैक्सीबल होते हैं, और इनकी शेप कॉर्क स्क्रू शेप्ड होती है। ठीक हो गई बात। अब हम फिगर 6.5 में सबको एक बार देख लेते हैं। तो ये है आपके देखने के लिए कोकाई में डिप्लो कोकाई, और कोकाई कैसी होती है, स्फेरिकल शेप। डिप्लो कोकाई, स्ट्रेप्टो कोकाई, टेट्रार्ड, सारसीना, स्टेफिलो कोकाई, रॉड में, ये रॉड में चेन में है, चेन में वाले को क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टो बैसिलाई, और ये हमारे पास फ्लैजिलेटर रॉड है, और ये पैलिसेड्स हैं जिनमें आप देख रहे हो लॉन्ग और सिलेंडर टाइप है, और इसमें स्पाइरल में विब्रियो शेप्ड है, विब्रियो कॉलरा की एग्जांपल दी हुई है इन्होंने। ठीक है, कोकोबैसिलस की शेप देख रहे हो ना, ना सर्कुलर है और ना रॉड शेप्ड है, दोनों के बीच में ही है, और स्पाइरला की ऐसी शेप होती है, ये मिडल से कर्व हुए हुए होते हैं। इसके अलावा स्पायरोकीट्स की ऐसी शेप होती है, कॉर्क स्क्रू टाइप की शेप, जो शेप होती है, और इसकी एग्जाम्पल है ट्रेपोनेमा प्लाइडम, जो हमारी बॉडी में एक STD कॉज करते हैं, सिफिलिस। ठीक है, अच्छा, तो हम एक और टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, वो है एंडोस्पोर फॉर्मेशन, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपके हो सकता है। कहानी है, अब कहानी सुनो ज़रा, कैसी कहानी है। वो कहानी ये है कि जब आसपास की हैबिटेट की कंडीशंस हार्श हो जाती हैं और न्यूट्रिएंट्स सारे ख़त्म हो जाते हैं, अब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के आसपास की कंडीशंस गंदी हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, बैक्टीरिया बना लेगा एक आदत एंडोस्पोर, सही है,
और उस एंडोस्पोर के अंदर बैक्टीरिया लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए सर्वाइव करेगा, ठीक है। और क्योंकि एंडोस्पोर को डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल होता है, हुआ क्या कि आसपास की कंडीशंस ख़राब हो गई, बैक्टीरिया ने अपने आसपास बना लिया एक एंडोस्पोर और उस एंडोस्पोर के अंदर वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रहा, और क्योंकि एंडोस्पोर को डिस्ट्रॉय करना बहुत बुरी मतलब बहुत मुश्किल बात है, ठीक है। होता कुछ ऐसे है कि बैक्टीरिया जो है अपने अंदर जो साइटोप्लाज्म लिए हुए बैठा है ना, इस साइटोप्लाज्म का एक पोर्शन एक हिस्सा और अपने क्रोमोसोम की एक कॉपी लेता है और तमाम बाकी चीज़ें डिहाइड्रेट कर देता है, निकाल देता है। उसके बाद अपने बाहर एक तीन लेयर स्ट्रक्चर, तीन लेयर वाली कवरिंग बना लेता है और एंडोस्पोर बन जाता है। मैं रिपीट कर रही हूँ कि एंडोस्पोर कैसे बनता है। बैक्टीरिया है ना पूरा अपने साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा लेगा और अपने क्रोमोसोम की एक कॉपी लेगा और बाकी सारे हिस्से को हटा कर डिहाइड्रेट कर, ठीक है, ये तीन लेयर्स बना लेगा अपने उस साइटोप्लाज्म के हिस्से और क्रोमोसोम के बाहर, तीन लेयर बना ली तो ये बन गया एक एंडोस्पोर। और ये एंडोस्पोर बहुत टाइम लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी हमारे साथ रहेगा क्योंकि ये क्या कर इसको डिस्ट्रॉय करना डिफ़िकल्ट चीज़ है और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो डीजनरेट कर जाएंगी, ठीक हो गई। अब फ़र्ज़ करो बहुत सालों बाद या बहुत महीनों बाद फेवरेबल कंडीशन दोबारा आ गई, यानी उसके हालात बाहर के अच्छे हो गए, तो क्या हुआ, बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करेगा वाटर, वाटर अंदर लेगा और एक नई सेल वॉल बनाएगा और दोबारा से फंक्शन करने लग जाएगा एक बैक्टीरियल सेल के तौर पे। समझ में आए कितना प्यारा प्रोसेस है। तो ये इन्होंने बताने की कोशिश की हुई है कि बैक्टीरिया ने आउटर मेम्ब्रेन तीन लेयर वाली कोडिंग बना ली और इसके अंदर साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा और हमारे पास साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा और क्रोमोसोम की एक कॉपी रख दी, तो ये एक एंडोस्पोर बन गया और ये एंडोस्पोर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए सर्वाइव कर सकता है जब तक कंडीशंस अच्छी ना हो जाए आसपास का माहौल। एनीवेज ये इस पर शॉर्ट नोट दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन बैक्टीरिया, के बैक्टीरिया किस किस तरह से मूव कर सकते हैं। अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नाम भी याद कर लोगे तो काफ़ी रहेगा। जनरली बैक्टीरिया के अंदर तीन तरह के मूवमेंट्स होती हैं, एक फ्लैजिलार मूवमेंट जो फ्लैजिला की मदद से होती है। फ्लैजिला क्या होता है अब ये मत पूछना मुझसे क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि फ्लैजिला क्या होता है, ठीक है। फ्लैजिला की बेस मूव फ्लैजिला की बेसिस पे, यानी किसी के अंदर टेरा है तो मेरा है तो किसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजिला पे बैक्टीरिया को हम पांच ग्रुप्स में डालते हैं। कौन कौन से पांच ग्रुप्स वो मैं पहले बता देती हूँ। अच्छा चलो एक काम करते हैं, फ्लैजिला की जो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला जो बैक्टीरिया के टाइप्स हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो इस के बाद, राइट। फ्लैजिलार जो मूवमेंट होती है बैक्टीरिया में, फ्लैजिलार जो बैक्टीरिया होते हैं वो फ्लैजिला को यूज़ करके मूव करते हैं। स्पायरोकीटल मूवमेंट क्या होती है, ये स्पायरोकीट्स में होती है जो लॉन्ग स्लेंडर टाइप बैक्टीरिया होते हैं। और ये कैसे होती है, ये पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला, इनके अंदर जो फ्लैजिला होता है उसका नाम पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला होता है, ठीक हो गई बात। और ये क्या कर सकते हैं, ये फ्लेक्स कर सकते हैं, यूँ अपनी बॉडी को लचकना आई गेस वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो स्पिन कर सकते हैं, फ्री स्विमिंग कर सकते हैं और क्रीपिंग लाइक मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चार तरह की फ्लैक्स कर सकते हैं और स्पिन कर सकते हैं और फ्री मूवमेंट कर सकते हैं और क्रीपिंग लाइक मूवमेंट स्पायरोकीटल मूवमेंट होती है और ये स्पायरोकीट्स में होती है। फिर एक होती है ग्लाइडिंग मूवमेंट और ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर होती है। ये मत पूछना साइनोबैक्टीरिया क्या है क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। अगर आप लेक्चर सही से ले रहे हो तो नोट सही से बना रहे हो तो यू शुड नो, और माइक्रोप्लाज्मा में होती है, ठीक है। अब साइनोबैक्टीरिया भी याद रख लो तो काफ़ी है क्योंकि माइक्रोप्लाज्मा इज़ नॉट फॉर योर लेबर। अच्छा होता कुछ ऐसे है कि साइनोबैक्टीरिया सीक्रेट करते हैं कुछ स्लाइम, ये स्लाइम सबस्ट्रेटम से अटैच करता है, यानी कि हमारे पास बार्क या कोई भी चीज़ जिस पर बैक्टीरिया को अटैच होना है ना उस पर जा करके ये स्लाइम अटैच होता है। जैसे फर्ज करो ये एक पत्थर है और बैक्टीरिया को, इस साइनोबैक्टीरिया को इस पत्थर से अटैच होना है, तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया सीक्रेट करेगा स्लाइम और स्लाइम की मदद से ये अटैच हो जाएगा इस सबस्ट्रेटम से, वुड का पीस हो, शेल हो या बार्क हो या कुछ भी हो, पत्थर हो, ठीक है। और यहाँ पर जा करके ये अपनी रिप्रोडक्शन और जो भी काम इसको करना था वो इस पर जाके करेगा। तो ये तीन तरह के मूवमेंट थी, फ्लैजिला मूवमेंट, स्पायरोकीटल मूवमेंट, ग्लाइडिंग मूवमेंट। नाम तीनों के याद कर लो तो काफ़ी है, लेकिन अब जो चीज़ मैं दिखाने जा रही हूँ वो आपको याद करनी है। अच्छा जी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजिला बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग फाइव टाइप्स, ए ट्राइकस। अच्छा ट्राइकस का जो वर्ड है वो फ्लैजिला के लिए यूज़ होता है। ए ट्राइकस मतलब कि एब्सेंस होगी फ्लैजिला की, यानी देखो ये बैक्टीरिया तो है लेकिन बैक्टीरिया के पास कोई फ्लैजिला नहीं है। मोनोट्राइकस का मतलब एक फ्लैजिला, मोनो का मतलब होता है एक, तो बैक्टीरिया होगा लेकिन उसके पास एक सिंगल फ्लैजिला होगा, ये देखो एक फ्लैजिला प्रेजेंट है। लोफो का मतलब होता है कि टफ्ट, टफ्ट मतलब के बहुत सारे, तो ये देखो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके एक साइड से
बहुत सारे टफ्ट, एक पूरा गुच्छा निकल रहा है फ्लैजिला का। एम्फीटाइकस का मतलब होता है कि वही टफ्ट ऑफ बैक्टीरिया, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला जो प्रेजेंट था एक साइड पे, लेकिन अब वो दोनों साइडों पे प्रेजेंट है, तो ये एम्फीटाइकस बन गया। और पेरिट्राइकस बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जिनकी पूरी बॉडी पे फ्लैजिला लगा होता है, पैरी पूरी बॉडी पे फ्लैजिला लगा होता है, सराउंडेड बाय फ्लैजिला। ये देखो इस साइड पे भी है, एवरी साइड, तो जिस इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मूवमेंट हुआ करती होगी, राइट। तो हमने देख लिया फ्लैजिला के बेसिस पे बैक्टीरिया के टाइप्स और बहुत कुछ आज पढ़ा, जो आप सबको बहुत अच्छे से नोट्स बना के पढ़ना है बेटा, अपना नुकसान नहीं करो, इसको अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।